ये आदिल के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, ऐसा कहना गलत नहीं होगा राहुल। कि आदिल ने उसे धमकी दी कि उसके जो वीडियोस और फोटोग्राफ्स हैं उसको वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में, पब्लिक डोमेन में ला देगा। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो बिल्ली के गले में घंटी राखी सावंत ने बांध दिया। पूरे हिंदुस्तान में उसने अलग अलग जगहों पे अलग अलग लड़कियों के साथ जो किया है, ईरानी लड़की सामने आ गई है मैसूर में, आदिल दुरानी की जो मुश्किलें हैं वो बहुत बढ़ती नजर आ रही हैं। सर वैलेंटाइन डे में मतलब प्रॉपर सरप्राइज मिल रहा है, राखी सावंत से प्रॉपर सरप्राइज देने लगता है आदिल को। 14 तारीख को उनकी बेल एप्लीकेशन वहाँ फॉरवर्ड होगी, 14 तारीख को ही मैसूर की पुलिस कोर्ट के समक्ष पेश होगी अरेस्ट वारंट लेकर। तो ऐसा नहीं है कि आदिल दुरानी बहुत ही जल्द जेल से बाहर आ जाएगा या जुडिशियल कस्टडी के बाहर आ जाएगा। परेशानी बहुत बद से बदतर हो रही है आदिल के लिए। उन्होंने, मैंने राखी को ये बात पहले ही बता दिया था, ये बंदा फ्रॉड है। 8 महीने पहले जब राखी सावंत और आदिल दुरानी को मैंने जिम में देखा तो मैंने आदिल दुरानी के बारे में पता किया ये बंदा है कौन। तो मुझे जो फीडबैक मिला वो शर्लिन के जैसा ही फीडबैक मिला कि आदिल दुरानी से राखी को आप दूर रखिए, राखी आपको भाई मानती है, आप थोड़ा दूर रखिए। वो 2 घंटे क्या बातचीत हुई है सर? और मैंने भी उस वक्त शर्लिन से बात की, मेरी भी फोन पे बात कराई गई सर। शर्लिन एक बड़ी सुलझी हुई लड़की और उनको राखी सावंत को अपने घर पे बुलाना कि अगर तनु डिनाई कर रही है अपने इंस्टा पेज में और बाद में उसको कहा जा रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, तो इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। राखी है ही ऐसी, राखी शुरू से ही ऐसी है, मैं 22 साल से जानता हूँ। कि सलमान भाई भी कह चुके हैं कि राखी एक फूल की तरह है, राखी इस तरह फंसेगी, राखी इस तरह उसके साथ होगा व्यवहार कि उसे मारा जाएगा, पीटा जाएगा। राखी अपने आप को समेटने की कोशिश कर रही है, जो बिखर गई थी आपने वो पैसे लेके गाड़ियों में इन्वेस्ट, कहाँ है वो गाड़ियाँ, कहाँ छुपा के रखी है वो गाड़ियाँ। तो वो पैसा नहीं देने के लिए गोल 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 घुमा रहा था। और अब माननीय सेशन कोर्ट से अपील करेंगे कि हमें जुडिशियल कस्टडी की बजाय पुलिस कस्टडी दी जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल डेली खजाना में। इस वक्त मैं हूँ राहुल भोज और मेरे साथ हैं वाहिद अली खान सर। बहुत बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से डेली खजाना में। थैंक यू राहुल, इट इज ऑलवेज बीन अ प्लेजर आपके साथ बात करना, आपके साथ लाइव में आना हमारे लिए सौभाग्य है। सर सबसे पहला तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं, मतलब लास्ट हम जो मिले थे कोर्ट के वहां पे, फिर उसके बाद बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। राखी जी जो है वो धीरे धीरे रिकवर होते हुए नजर आ रही है, लेकिन स्टिल वो डिप्रेशन में कहीं ना कहीं दिख रही है। साथ ही साथ आदिल की अगर बात करें तो वहां से उनकी जो बहन है जिनका नाम जो हूँ बोली बहन है, उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया है। उन्होंने बोला कि आदिल ने जानबूझ के राखी को फंसाया है। साथ ही साथ सर एक ईरानियन लड़की का नाम अब सामने आया है, प्लस मैसूर के न्यूज़पेपर्स में जो आदिल ने कांड कर रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। प्लीज जनता को एनलाइटमेंट कीजिए कि आखिरकार ये सारा मामला क्या चल रहा है। देखिए ये आदिल के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, ऐसा कहना गलत नहीं होगा राहुल। और ये मैं उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये कहावत आपने पुरानी सुनी होगी। तो बिल्ली के गले में घंटी राखी सावंत ने बांध दिया। अब एक के बाद परतें खुलती जा रही है इन्वेस्टिगेशन में, चीजें सामने आ रही है। साथ ही साथ जो पूरे हिंदुस्तान में उसने अलग अलग जगहों पे अलग अलग लड़कियों के साथ जो किया है वो चीजें सामने आ रही है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि एक ईरानी लड़की सामने आ गई है मैसूर में, उसने आदिल के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और ये एक संगीन मामला है, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। धारा 376, धारा 417, धारा 420, 504, 506 का मामला दर्ज कराया है। और उसने ये भी कहा है कि आदिल ने उसे धमकी दी कि उसके जो वीडियोस और फोटोग्राफ्स हैं उसको वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में, पब्लिक डोमेन में ला देगा। तो इस तरह के जो मामले सामने आते हैं इसमें आदिल दुरानी की जो मुश्किलें हैं वो बहुत बढ़ती नजर आ रही हैं, आदिल की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आदिल अभी फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है ये आपको पता है, लेकिन आदिल के वकील बड़े कॉन्फिडेंट थे। आदिल के वकीलों का कहना था कि बेल मिल जाएगी, इसीलिए उन्होंने कोर्ट के समक्ष एप्लीकेशन रखा, बेल एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया, जो जिसकी सुनवाई मंगलवार को होना है राहुल। अच्छा सर वैलेंटाइन डे में मतलब प्रॉपर सरप्राइज मिल रहा है, राखी सावंत जी प्रॉपर सरप्राइज देने लगता है आदिल को? देखिए बहुत बड़ा सरप्राइज है आदिल दुरानी के वकील के लिए, क्योंकि 14 तारीख को उनकी बेल एप्लीकेशन वहां फॉरवर्ड होगी। और जहां तक मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं, मेरे लोग मुझे बता रहे हैं, 14 तारीख को ही मैसूर की पुलिस कोर्ट के समक्ष पेश होगी अरेस्ट वारंट लेकर। बट आप समझिए कस्टडी वारंट जिसको हम कहते हैं वो लेकर कोर्ट के समक्ष पेश होगी कि अगर आप इस व्यक्ति को बेल दे रहे हैं तो हम इसको मैसूर ले जाएंगे, प्रोडक्शन वारंट बोलते हैं उसको, और अगर बेल नहीं दे रहे हैं तो प्रोडक्शन वारंट के तहत जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद हम इसको मैसूर लेके जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आदिल दुरानी बहुत ही जल्द जेल से बाहर आ जाएगा या जुडिशियल कस्टडी के बाहर आ जाएगा। परेशानी बहुत बद से बदतर हो रही है आदिल के लिए। तो
तो मतलब सर एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, अगर मुंबई में ये जो नहीं दोनों तरफ खाई, कुआं कुएं में तो आप डूब के निकल जाएंगे, आपको कोई बचा लेगा, ये खाई है जहाँ पे आपने कदम रख के खुद फिसल के खाई के अंदर गए, तो कुआं खाई के बचा गया नहीं, यहाँ दोनों तरफ खाई है राव जी। जी सर, शैली लाथर मैम जो है, जो आदिल की बहन है और प्लस बिजनेस पार्टनर भी थी, उनसे मेरी कल ही बातचीत हुई थी और उन्होंने ही, मैंने राखी को ये बात पहले ही बता दिया था, ये बंदा फ्रॉड है, इसने जानबूझ के जो है इन्वॉल्वमेंट रखा, और राखी को जो गाड़ी गिफ्ट करी थी वो आदिल ने नहीं, वो मैंने करी थी। सर सोचिए, ये धीरे धीरे करके सच्चाई सामने आ रही है क्या राहुल? आठ महीने पहले जब राखी सावंत और आदिल दुरानी को मैंने जिम में देखा, देखिए हम लोग एक ही जिम करते हैं, Why Not Fitness, तो वहां पर जब मैंने आदिल दुरानी को उसके साथ देखा, मैंने राखी से पूछा, राखी ये बंदा कौन है? तो राखी ने कहा कि भाई ये मेरा दोस्त है। मैंने उससे ज्यादा? तो बोले नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने आदिल दुरानी के बारे में पता किया ये बंदा है कौन, तो मुझे जो फीडबैक मिला वो शर्लिन की जैसा ही फीडबैक मिला। जो शर्लिन कह रही है वो हकीकत कह रही है, इसका जो शेडी जो माहौल था, इसकी जो शेडी बैकग्राउंड था, इसको देखकर हर व्यक्ति ने यही कहा कि आदिल दुरानी से राखी को आप दूर रखिए, राखी आपको भाई मानती है, आप थोड़ा दूर रखिए। मैंने राखी को कहा, लेकिन प्यार अंधा होता है राव, एक बार किसी पर हो जाए तो इफ्स एंड बट्स और नो और ये सब बातें साथ नहीं देती। राइट 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 सर, इसी बीच एक और मामला सामने आ रहा है जो कि शर्लिन चोपड़ा वाला है। हालांकि हमारी इस बात पर टेलीफोनिक बातचीत हुई थी, बट मैं जनता को मतलब बताना चाहता हूँ कि आपको क्या है कहना इस मामले में, और प्लस वो 2 घंटे क्या बातचीत हुई है सर, और उसमें बहुत हंगामा है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार राखी और शर्लिन जो कि एक दूसरे को कोल्ड वाइब्स दे रहे थे, कोल्ड वॉर चला रहे थे, उन दोनों में क्या पैचअप हो गया? देखिए इस बंद बैग जो क्लोज डोर मीटिंग्स के बारे में कहना ठीक नहीं होगा। मैंने भी उस वक्त शर्लिन से बात की, मेरी भी फोन पे बात कराई गई उसके साथ। शर्लिन एक बड़ी सुलझी हुई लड़की, बड़े ही मतलब जो बातें वो कर रही थी इंटेलिजेंट बातें कर रही थी। राखी सावंत से उनके साथ मिलना और उनको राखी सावंत को अपने घर पे बुलाना, ये कहीं ना कहीं एक हमको एक इशारा दे रहा था कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो बातें हुई हैं। और राखी सावंत का बाहर निकलकर उनको शुक्रिया अदा करना, बहुत कुछ बातें हुई हैं, लेकिन अभी बातों का खुलासा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन सही समय पर आने पर ये बातों का खुलासा करेंगे कि आखिरकार क्लोज डोर मीटिंग में क्या हुआ था राहुल। जी 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 सर, एक ईरानियन लड़की के साथ साथ अभी जो है रिसेंटली जो उनकी तन्नू है, जो आदिल जी की तन्नू है, उस पर ये भी बात आ रही है कि वो प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट है सॉरी, और इसी वजह से आदिल राखी को छोड़ के उनसे शादी करना चाह रहा है। आपने तन्नू का वो स्टेटमेंट पढ़ा होगा जो उसने इंस्टाग्राम में डाला था, उसने डाला था कि मेरा आदिल दुरानी से कोई लेना देना नहीं और मुझे बदनाम ना किया जाए। एक तरफ तो ये बातें कह रही है वो कि मुझे बदनाम नहीं किया जाए, मेरा आदिल से दूसरा लेना देना नहीं, और वहीं किसी एक चैनल ने ये चलाया, एक लोकल चैनल ने चलाया कि राखी ये जो तनु है वो प्रेग्नेंट है। तो मुझे ये बात थोड़ा हजम नहीं हो रही है राहुल, कि अगर तनु डिनाई कर रही है अपने इंस्टा पेज में और बाद में उसको कहा जा रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, तो इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। हालांकि सच क्या है झूठ क्या है वो ऊपर वाले को पता, अभी तक तो जो बातें आ रही है सामने वो बड़ी मतलब असुलझी हुई बातें हैं, वो सुलझी हुई नहीं है। जी 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 सर, इसी बीच जो है एक थोड़ा सा हमारी बातचीत हो गई थी रितेश जी से भी, जो एक्स हस्बैंड है, उन्होंने कहा कि राखी को बरगला लेते हैं लोग और वो बेचारी मासूम है, उसको जो है लोग इस्तेमाल करते हैं, इस बात में आप क्या कहेंगे, मतलब इस बात को आप? राखी है ही ऐसी, राखी शुरू से ही ऐसी है, मैं 22 साल से जानता हूँ, वो बड़ी सुलझी हुई तो नहीं बोलेगी, लेकिन हाँ ये बड़ी विडंबना वाली लड़की है, वो अतरंगी कब क्या कर जाए कुछ नहीं जानते, दिल की साफ है, और जो दिल की साफ होती है ना वो बातें जबान पे ले आते, और उसकी हमेशा उसको उसका बैकड्रॉप कहिए या उसका बैकड्रॉप के साथ उसकी अच्छाई कहिए, कि सलमान भाई भी कह चुके हैं कि राखी एक फूल की तरह है, राखी के दिल में किसी के लिए बुराई नहीं है, अगर वो बुराई है भी तो मुंह में निकाल देती है। राखी इस तरह फंसेगी, राखी इस तरह उसके साथ होगा व्यवहार कि उसे मारा जाएगा पीटा जाएगा, ये हम सबके लिए एक आश्चर्य करने वाली बात है, ये हमें हजम नहीं हो रही। और रही बात उनके पति की जो एक्स हस्बैंड है, मुझे मेरे वो व्यक्तिगत तौर पर उनके कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन हाँ वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने कुछ समय बिताया है राखी के साथ तो वो राखी को जानते हैं अच्छी तरीके से। जी जी सर, इस वक्त राखी जी का मतलब हाल कैसा है मैं जानना चाहता हूँ, तो आप उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं और डेफिनेटली बातचीत भी हुई होगी,
राखी संभाल रही है अपने आप को, राहुल राखी अपने आप को संभाल रही है, राहुल राखी अपने आप को समेटने की कोशिश कर रही है, जो बिखर गई थी वो बिखरे हुए को समय लगता है। अगर आपने किसी व्यक्ति के साथ एक साल तक अपने समय बिताया है जिंदगी का और अपने अच्छे बुरे सब चीज में उनका साथ दिया है और लिया है, तो अपने आप को बिखरने के बाद समेटने में टाइम लगता है। राखी को टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जहां तक मैं राखी को जानता हूं वो कई बार इस तरह बिखरी है और कई बार अपने आप को समेट चुकी है। जी सर, कोर्ट हियरिंग की अगर बात करें, जब अभी हम रिसेंटली मिले थे, फ्राइडे को मिले थे हम लोग, तो उस समय आई थी खबर कि अब मंडे को कोर्ट हियरिंग होने वाली है, तो ये हो रही मंडे को है या फिर 14th को है सर? नहीं, देखिए, जब हम फ्राइडे को मिले थे उस समय कोर्ट जो रेगुलर कोर्ट थे वो एब्सेंट थे, जज साहब उस दिन नहीं आए थे, तो एक दूसरे कोर्ट में रखा गया था मसले को। अब जब उन्होंने कह दिया कि सोमवार को सुनवाई होगी, सोमवार को सुनवाई नहीं होगी, सैटरडे सुनवाई हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सैटरडे दोपहर में सुनवाई हुई है, नहीं मेरे हिसाब से फ्राइडे सुनवाई हुई है, तो फ्राइडे के रेगुलर कोर्ट में जब उनको सुनवाई के दौरान जज ने देखा कि भाई ठीक है अभी ये चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, तो उन्होंने इस पूरे मामले को ट्यूसडे तक रख दिया है, यानी कि अब आदिल की जो बेल की जो एप्लीकेशन की सुनवाई है वो ट्यूसडे होगी। राहुल, अच्छा, जी, सेम कोर्ट में सर? जी हाँ, बिल्कुल सेम कोर्ट में ही होगी, जहां पे रेगुलर कोर्ट जो था, जहां पे पहली बार आदिल को प्रोड्यूस किया गया था वहीं पे। जी, तो अभी तो सर इस वक्त आदिल जो है वो जेल में है, राइट? सर मुझे एक बात बताइए, ये जो 1.5 करोड़ रुपए वो खा गए हैं, डकार गए हैं, और प्लस कहीं ना कहीं अभी वो ये चीजें कर रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ पैसा बचा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली राखी जी छोड़ेंगे नहीं, वो अपने पैसे लेंगे, तो आदिल कहाँ से चुकाएगा, क्या लगता है? देखिए, आदिल के मुताबिक 1.5 करोड़ रुपए उसने गाड़ियों में इन्वेस्ट किए, ठीक है, आपने वो पैसे लेके गाड़ियों में इन्वेस्ट किए, कहाँ है वो गाड़ियां, कहाँ छुपा के रखी है वो गाड़ियां? पिछले 4 महीने जब आपने पैसे लिए 6 महीने के दौरान, तो आपने राखी से फॉल्स प्रॉमिस किया कि मुझे पैसे दो मैं गाड़ी खरीदूंगा और मैं उसको बेच के प्रॉफिट भी दूंगा। आपने देखा होगा एक वीडियो में साफ तौर पर वो कह रहा है, राखी ने उससे कहा कि मैं मुझे मुझे उस पैसों की जरूरत नहीं है तुम्हारे प्रॉफिट की, मैंने जो मुद्दल कैपिटल तुम्हें दिए वही वापस कर दो तो मेरे लिए काफी है। तो वो पैसा नहीं देने के लिए गोल 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 घुमा रहा था, वो पैसे वो गाड़ियां हैं कहाँ? अगर तुमने 6 गाड़ियां खरीदी तो आखिरकार वो गाड़ियां हैं कहाँ, उसका भी कोई पता नहीं दे पा रहा है, उसका भी कोई। अब मामला इन्वेस्टिगेशन के लिए है, इसके तो हम पुलिस कस्टडी चाहते थे, इसलिए तो योर ऑनर के सामने हमने प्रे किया था कि सर हमें पुलिस कस्टडी दी जाए ताकि मामला इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल सके कि क्या हकीकत है क्या नहीं है, लेकिन माननीय न्यायालय को नहीं लगा और उन्होंने जुडिशियल कस्टडी दे दी। हम अपर कोर्ट में जा रहे हैं, हम सेशन कोर्ट में जरूर जाएंगे इसके खिलाफ और हम माननीय सेशन कोर्ट से अपील करेंगे कि हमें जुडिशियल कस्टडी की बजाय पुलिस कस्टडी दी जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस डिपार्टमेंट सच क्या है झूठ क्या है पता तो लगा सके। राइट, जी, भाई सर थैंक यू सो मच, आपने हमें इंटरनल सारी डिटेल्स बताई और इसी तरीके से, और ये सिर्फ मेरा ही थैंक यू नहीं है बल्कि उन तमाम जनता हमारे सब्सक्राइबर बेस का भी है जो कि आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं और आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं, थैंक यू सो मच सर, इस तरह से हमें प्लीज टाइम देते रहिएगा सर। और आई नो आज आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, आज बिग बॉस का फिनाले, आप बहुत बिजी है आप लोग, आई विश यू ऑल द बेस्ट, और आपके चैनल बहुत अच्छा कवरेज कर रहा है, लगातार कवरेज कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को आप प्रेजेंट करते हैं, और आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड योर टीम इज ट्रेमेंडस, सुपर टीम योर वर्क। Thank you so much, Rajbir sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Yeah. Bye.